प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित पिपरवन जट्टी बॉर्डर पर क्षतिग्रस्त पुल को मरम्मत करवा लिया गया है, जिसके बाद से आवागमन सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जानकारी हो कि द वॉइस ऑफ मधुबनी पर खबर प्रकाशित होते ही अधिकारी हरकत में आ गए और आनन फानन पुल को मरम्मत करवा कर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जानकारी हो कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से एसएसबी के द्वारा तत्काल भारी वाहन पर रोक लगा दिया गया था। लोग सिर्फ पांव पैदल व बाइक से ही लोग सफर कर रहे थे। चार पहिया वाहन पर भी रोक लगा दी गई थी। पिपरवन जट्टी बॉर्डर के पुल से कई हजार लोग आवागमन करते हैं, लेकिन पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से भारी वाहन पर तत्काल रोक लगा दिया गया था। पुल मरम्मत होने के बाद से पुनः सुचारू रूप से आवागमन चालू कर दिया गया है और पिपरवन जट्टी बॉर्डर पुल से चार पहिया वाहन भी अब गुजर रही है। हालांकि पुल की मरम्मत नेपाल के अधिकारी लोगों के द्वारा करवाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुल से गुजर रहे लोग व वहां के स्थानीय ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, जरा अभी सुनिए। मरम्मत करवा दी, कितना सहूलियत होता हुआ जाने? अब ठीक हो गया, पुल को बना दिया गया है। अब जो है मतलब हम लोग जाना आना ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इधर का रोड का रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, इसका इधर का गड़बड़ है। इधर का सड़क पूरा जर्जर हो चुका, रोड आवा जाने के लिए एकदम क्लियर हो गया है, रोड पूरा क्लियर हो चुका है, क्लियर हो गया रोड। अब तो काफी, आप ही तो बता रहे थे जो जाने आने बहुत सारा दिक्कत होता है। पुल टूट गया था ना, तो मतलब जो है जाने में दिक्कत था। अब जो है मतलब प्रशासन आया करवाया सब, तो मतलब ठीक हो गया है, तो मतलब आने जाने में ठीक है। यही जो इधर का रोड नहीं ठीक है, पुल ठीक कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। घर का हुआ? पिपरवन। टेम्पू चालक हुआ? जी जी। और अब क्या, पुल डैमेज के कारण रोक दिया गया था, ठीक है, अब पुल सही किया है, ट्रैफिक चालू हो गया, जाना आना चालू कर दिया गया। इसे तो कई लोग, कई हजार लोग प्रभावित हो रहे थे अगर बंद उस समय बंद। हाँ, बंद होने के कारण तो बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था होगा, लेकिन अब पूरा चालू कर दिया गया। हाँ, चालू कर दिया गया। चार चक्का वाहन गुजर रही हाँ, है? सब गुजर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? छोटे कुमार। घर का हुआ आपका? कमतौल। कमतौल घर हुआ आपका? नाम? छोटे कुमार। आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा, खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।